Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. मैं हूँ फ्लोरेंस इटली में और मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कैसा है फ्लोरेंस और आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या जगह आप देख सकते हैं और कहाँ कहाँ जा सकते हैं अगर आप फ्लोरेंस आते हैं तो. हम एक दिन गए थे द मॉल फिरेंजे और ये देखो सारे स्कूल के लोग किड्स हैं जो ट्रिप पे आए हैं और वेव कर रहे हैं आप सबको. तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं फ्लोरेंस एंड स्टे ट्यून्ड. तो ये जो है एक स्क्वायर है और इसको पियाजा बोलते हैं. यहाँ पे बहुत ही बिजी स्ट्रीट रहती है शोल्डर सीजन में भी. पता नहीं पीक सीजन में कैसा होता होगा. तो ये जो बिल्डिंग है वो पहले हॉस्पिटल हुआ करती थी यहाँ की. अभी ये एक म्यूजियम बन गया है. और ये जो बिल्डिंग सामने हम देख रहे हैं इसकी डिज़ाइन डुओमो जैसी है पर ये डुओमो नहीं है. अभी हम यहाँ की सबसे ओल्डेस्ट फार्मेसी जो है वहाँ जा रहे हैं. तो चलिए देखते हैं कैसी है यहाँ की ओल्डेस्ट फार्मेसी. तो हम पहुंच गए हैं ओल्डेस्ट फार्मेसी पे और यहाँ पे क्यों होता है हर बार. और इसका टिकट नहीं है, एंट्री फ्री है. तो देखते हैं फ्लोरेंस की ओल्डेस्ट फार्मेसी. तो इस फार्मेसी को कन्वर्ट कर दिया है ऐसे म्यूजियम की तरह. और यहाँ पे मेडिसिंस नहीं बेचते, यहाँ पे परफ्यूम्स और फ्रेग्रेंसेस सेल करे जाते हैं. और यहाँ विजिट करने के लिए कोई टिकट नहीं है गाइस, एंट्री फ्री है. तो अगर आप फ्लोरेंस आते हैं तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा. बहुत ही सुंदर जगह है ये. Thank you.
तो गाइज ये जो जगह है इसको बोलते हैं पियाज़ा दी सांता मारिया नोवेला। और हम जो यहाँ की फ्लोरेंस की सबसे पुरानी फार्मेसी में गए थे अभी, उसको इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है और वहाँ पे फ्रेग्रेंसेस सेल करते हैं। आपको कैंडल्स, सोप, परफ्यूम्स मिल जाएंगे। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसेस थी वो। तो मैं खड़ी हूँ फ्लोरेंस के सबसे पुराने कैथेड्रल के सामने। यहाँ विजिट करने के लिए कोई टिकट नहीं है और आर्किटेक्चर वाइज आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही पुराना है। इसकी अगर ब्रिक्स का अरेंजमेंट देखेंगे तो इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है साइज में, क्योंकि ये सबसे पुराना है। डुओमो जो है उसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। दिन और रात में यहाँ पे बहुत ही भीड़ लगी रहती है। तो अभी हम जा रहे हैं डुओमो की तरफ। ये जो डोम जैसा बिल्डिंग दिख रहा है वो है डुओमो। ये जो बिल्डिंग हमें दिख रहा है वो है बैप्टिस्ट्री। इसके पीछे जो बड़ा वाला बिल्डिंग है वो है बेल टावर, और उसके पीछे वो डोम वाला जो बिल्डिंग है वो है डुओमो। तो हम अभी डुओमो देखेंगे बाहर से। अंदर से भी आप ये तीन जगह देख सकते हैं और अलग अलग टिकट लगती है डुओमो, बेल टावर और ये बैप्टिस्ट्री को देखने के लिए। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही बिजी एरिया होता है ये। ये जो डोम जैसा बिल्डिंग दिख रहा है वो है डुओमो। तो चलिए चेकआउट करते हैं कि कैसा है। ये जो है बैप्टिस्ट्री की एंट्री है, और डुओमो जो है पीछे, और ये पूरा इसको बोलते हैं कैथेड्रल दी सांता मारिया डेल फियोरे। और ये जो है वो बेल टावर है लंबा सा। बहुत ही सुंदर कारीगरी करी गई है इसके ऊपर। और यहाँ पे एक गोल्डन गेट भी है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। उसके ऊपर भी बहुत सुंदर डिजाइन करी है। और ये क्राउड देखिए गाइस, पूरा दिन रात इतना क्राउड रहता है। और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है गाइस, तो आपको बता दूं कि रेनेसांस की शुरुआत यहीं पे हुई थी फ्लोरेंस में। और अभी हम देखने वाले हैं ये गेट। अंदर जाने के लिए ये लोग लाइन में खड़े हैं। Thank you.
मैं आपको नाइट का व्यू भी दिखा दूंगी डुओमो का, मैंने नाइट का वीडियो भी शूट किया है तो मैं वो इसके बाद वो भी डाल दूंगी। तो ये है डुओमो गाइस, अगर आप फ्लोरेंस आते हैं तो ये जरूर देखने आइएगा। ये जो बिल्डिंग है ये पहले पैलेस हुआ करता था, यहाँ के जो अमीर लोग हैं वो ऐसे पैलेसेस में रहना पसंद करते थे। तो फ्लोरेंस में ऐसे पैलेसेस है और इन दिनों इसको म्यूजियम बना दिया है, तो आप टिकट लेके इस म्यूजियम को विजिट कर सकते हैं और इसका आर्किटेक्चर बाहर से बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ग्रोसरीज खरीदनी है तो पैम लोकल, ये जो है ये पैम लोकल सबसे चीपेस्ट सुपरमार्केट है। कोई केयर फॉर एक्सप्रेस करके भी है, वो थोड़ा महंगा है, बट पैम लोकल जो है वो आपको मिल जाएगा जो सबसे चीपेस्ट है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप फ्लैग्स के साथ, ये एक और पैलेस है जो पहले पैलेस हुआ करता था और अभी इनको म्यूजियम बना दिया है। ये हम सामने से देख रहे हैं इसको, डुओमो के पास का जो एरिया है गाइस वो पूरी शॉपिंग स्ट्रीट है। यहाँ पे आपको सारी ब्रांड्स मिल जाएगी, हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स भी, जेलाटो के बहुत ही सारे शॉप्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। ये वेंची जो है वो जेलाटो के लिए बहुत ही फेमस है और मैंने ट्राई किया है, बहुत ही अच्छा जेलाटो मिलता है।
तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं हम, ये पहले जेल हुआ करती थी और अभी इसको म्यूजियम बना दिया गया है। ये एक और कैथेड्रल है फ्लोरेंस का, जहाँ पे रग्बी जैसी गेम्स खेली जाती है। बाहर का ये जो एरिया है यहाँ पे, तो ये इसके लिए फेमस है। तो ये भी ज़रूर देख सकते हैं अगर आप फ्लोरेंस में हैं तो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।